गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप सब, आई होप सारे ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है। तो कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने घर में समोसे बनाए थे। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और वो वीडियो देखिए और समोसे खाइए। तो काफ़ी दिनों बाद एक नए सफ़र पर आज मैं जा रहा हूँ धूमकोट की तरफ। तो मैं आपको भी ले चलता हूँ, साथ में अमित भी है। तो आज कुछ ज़रूरी काम है वो निपटा के आने हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए फिर एक नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं। चलिए फिर आज कुछ खास करते हैं। मैं आपका अपना दीपू पटवाल स्वागत करता हूँ एक बार फिर से पहाड़ों की इन ऊंची ऊंची चोटियों से। अभी हम घर से निकलकर काफ़ी आगे आ चुके हैं और अभी हमें नीचे मेन रोड तक पैदल जाना है, क्योंकि यहाँ से गाड़ी की कोई व्यवस्था है नहीं और नीचे तक गाड़ी की बुकिंग 400 रुपये कौन दे रहा है। इससे अच्छा जितना हम बुकिंग देंगे उतना हम नीचे खुद के अपनी गाड़ी से चल के और धूमकोट से 400 में होके अपने घर तक वापस भी आ जाएंगे। आजकल पहाड़ों का हाल कुछ ऐसा है कि चारों तरफ पूरी धुंध लगी हुई है, क्योंकि लोगों ने चारों तरफ से आग लगा दी है, क्या ही बोले इनको। और कुछ खास नज़ारे नहीं दिख रहे हैं और गर्मी का तो क्या बताएं। सुबह 7 बजे से तगड़ी धूप लगनी स्टार्ट हो जा रही है। मार्च में ये हाल है तो जून में क्या होगा। अभी हम सिमड़ी गांव के ठीक ऊपर आ गए हैं। ये नीचे सिमड़ी गांव है, यहाँ पे सिमड़ी गांव की ये सीढ़ियाँ हमेशा हमें अपने बचपन की याद दिलाती हैं, क्योंकि हम जब स्कूल जाते थे तो इसी रास्ते से जाते थे। ऊपर से देखिए छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। अब यहाँ से एक रास्ता ये नीचे के लिए चला जाता है, ये सीधे वहाँ मेन रोड में जाएगा, और एक ही वाला रास्ता ये सीधे चला जाता है। हम इस रास्ते से स्कूल जाते थे। यहाँ पे ये रही हमारी स्कूल। कभी टाइम लगेगा स्कूल की तरफ जाने का मौका मिलेगा तो स्कूल की सैर भी करा दूंगा आप सभी को। सो फाइनली हम मेन रोड तक पहुंच चुके हैं। ये मेन रोड है, अभी बस आई नहीं है, वेट करते हैं बस का। गर्मी इतनी हो रही है, देख सकते हैं सोलर प्लेट कैसे चमक रही है। आज किस्मत ख़राब है यार, पर किस्मत ठीक भी है कि बस नहीं आ रही है और हमें टैक्सी मिल गई। हम टैक्सी में बीरो खाल तक जाएंगे, छत में नहीं उन्हें। सो अभी हम पहुंच चुके हैं बीरो खाल के मार्केट में। या मेरे पीछे स्टैचू देख रहे हैं, ये स्टैचू है वीर बाला तिलोरोतिली का, आप सभी जानते होंगे। जो नहीं जानते वो मुझे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। कक्ष मुर्गा वो कड़कनाथ चुके। रुक जा भाई, तेरी वीडियो बढ़नी। अरे बीरो खाल तो हम पहुँच चुके हैं। अभी हमें यहाँ से जाना है धूमकोट के लिए। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं मार्केट की तरफ। अभी बस देखेंगे, बस आएगी फिर चलेंगे धूमकोट। कोई बात नहीं, हमें तैयार। Thank you.
धुमाकोट मार्केट पहुंचने के बाद जो भी हमारा थोड़ा बहुत काम था वो हो गया है। अभी हमने लंच भी कर दिया है, अब हम थोड़ा बहुत काम है जो वो करेंगे। बाकी मार्केट के छोटे मोटे काम हमारे हो गए हैं। अभी मैं बाल कटाने जाता हूँ, बाल पहले छोटे हैं पर और छोटे कर देते हैं इनको। लीजिए, कटिंग भी हो गई है। अब अमित का वेट करते हैं कब तक आता है, ऊपर गया अभी काम से। अब मैं मार्केट से थोड़ा ऊपर आ गया हूँ क्योंकि अमित थोड़ा स्कूल में गया, ऊपर डॉक्यूमेंट वगैरह उसका काम है वो निपटा के जब तक आता है तब तक मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। अच्छी सी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी बिल्कुल सर से। अभी बाल कटाए, लग रहा हूँ ना, चमक रहा हूँ ना मैं।